हरि ओम तत्सत ओम श्री परमात्मने नमः। टिप्स टू प्रैक्टिस साइलेंस आइज पार्ट टू। प्रिय शुभचिंतक, आपके उत्साह वर्धन के लिए डॉक्टर वेदव्यास जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी का आदर पूर्वक धन्यवाद स्वीकार कर कृतज्ञ करें। पिछले 36 घंटों में लगभग मेरे स्टैटिस्टिक के हिसाब से 27 मित्रों ने पार्ट वन से प्रेरित होकर मौन अभ्यास सीखने की इच्छा मुझे फ़ोन करके प्रकट की है और 4 व्यक्तियों ने स्वयं आ करके मुझसे मिल करके अपनी इच्छा प्रकट की है। इसलिए आज मैं आईज पार्ट टू जागृत मौन पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आँखों को मौन तक ले जाने वाले मार्ग पर अनेक अवरोध आते हैं। ये अवरोध पानी से उठे बबूले की भांति बहुत तुच्छ हैं, अस्तित्व विहीन हैं, क्षणिक हैं, अस्थिर हैं, किंतु पूरे जीवन में ये अवरोध हमें जागृत होने से वंचित करते रहते हैं। अधिकतर लोग आधे से ज़्यादा जीवन केवल कुजागृत मतलब जागृत तो हैं लेकिन गलत ढंग से जागृत हैं, इस अवस्था में व्यतीत कर देते हैं, जो उनके स्वयं का गहन घोर अंधकार एवं गलत फहमी वाला अज्ञान है। ऐसे व्यक्ति गहरे में अगर देखते हैं तो अनुभवहीन हैं, छिछले जीवन के स्वाद से संतुष्ट हैं, जैसे दूसरों के शारीरिक वैभव, धन दौलत, आभूषण, जमीन, गाड़ी, बंगला पर लोभी व कामुक नज़र रखते हैं। जागृत मौन के अवरोध हम मनुष्य स्वयं पैदा करते हैं, जैसे अनावश्यक आलस्यपूर्ण निद्रा, जरूरत से ज़्यादा हम सो जाते हैं, कभी ध्यान न करना अर्थात हमेशा बेध्यान रहना, कभी बैठ कर 2 मिनट ध्यान नहीं करते, माता पिता और वरिष्ठ जनों व प्रकृति के प्रति कुस्वार्थ भरी लालची दृष्टि रखना, वृक्ष, नदी, आकाश, समुद्र आदि प्राकृतिक आशीर्वाद ऊर्जा शक्ति की अप्रतिम खूबसूरती को न देख पाना, उदाहरण के लिए नदी, तालाब, कुआं आदि भरकर हम ऊंची इमारत, सड़क बनाने के लिए वृक्षों पर निर्दयता पूर्वक आसुरी दृष्टि रखकर उनको काट देना, जीवों पर क्रूरता निर्दयता प्रकार से हिंसात्मक दृष्टि से उन्हें मारना, उनकी हत्या करना और उसके अवसर ढूंढते रहना, आँखों से देखते हुए भी अत्याचार, अन्याय, गलत कार्य जैसे घूस या बलात्कार या व्यसन या चोरी, शोषण आदि वैदिक सिद्धांतों एवं आध्यात्मिक उत्तम मानवीय लाक्षणिकताओं का अनुमोदन न करने वाले पुस्तकों को पढ़ना, ऐसे पुस्तक को पढ़ना जो आध्यात्मिक उत्तम मानवीय लाक्षणिकताओं, सिद्धांतों और वैदिक परंपराओं और उनके अनुशासन का अनुमोदन नहीं करते बल्कि उनका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। भोजन जो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रसाद है, उसको लालच पूर्वक देखना इत्यादि, ये सब गलत ढंग से जागरूक होने के उदाहरण हैं। अन्य जो अवरोध हैं जो हमें मुक्त करते हैं, कुजागृत अवस्था से जागृत अवस्था के जाने के रास्ते दिखाते हैं, इस तरह के जो अवरोध हैं उनसे मुक्ति पाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, कितना आसान है, क्यों और क्यों आसान है, ये करने के बाद आपको जागृत मौन और आँख के मौन का परिचय प्राप्त होता है, और यह जो सत्य परिचय होता है उससे सत्य परिणाम प्राप्त होते हैं, सद परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। और इस जागृत मौन अवस्था की आँख के अनेक लक्षण हैं, जिसकी आँखें मौन हैं, जागृत हैं, उसके लक्षण क्या है, व्यक्ति के उस व्यक्ति की नज़र पड़ जाने मात्र से बीमार व्यक्ति का स्वस्थ हो जाना, दोषों का अपना दुष्कर्म, अपनी गलती स्वीकार कर, कोई व्यक्ति अगर दोषी है और वो आपके समक्ष आ जाता है तो जिसकी आंखें जागृत हैं उनके सामने वो अपने दोष को, अपने
अपनी गलती को कबूल कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। और इसके सिवाय जो उनके आँखों से स्पर्श की हुई जो किरणें बाहर निकलती हैं वो शीतल छाया प्रदान करती हैं, अतुलनीय शांति और निर्मलता प्रदान करती हैं। और महाभारत में यह जिक्र आता है कि चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, परम ज्ञानी विदुर, आधुनिक भारत के महान राजा विक्रमादित्य, त्रेता युगीन श्री राम के ससुर, अष्टावक्र गीता के श्रोता महाराज जनक, देवियों में माँ पार्वती, देवों में महादेव शिव, भगवान के दूतों में हनुमान जी एवं आद्य शंकराचार्य जी, मनुष्यों में महामना मदन मोहन मालवीय आदि अनगिनत ने उनकी आँखों की जागृति के मौन की सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर जागृत मौन आँख अंतरिक्ष की समस्त गहराइयों तक की यात्रा सुगमता से कर पाती है। समझिए, अंतरिक्ष कितना विशाल है, कितना गहरा है, लेकिन उसकी भी यात्रा जागृत और मौन आँखें बहुत ही सुचारू ढंग से आसानी से कर पाती हैं। आपसे निवेदन है कि यह मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन यह दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चिंतन का विषय है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना पूर्वक योग, ध्यान, ओम के सहयोग से अगर अथक प्रयास करता रहे व्यक्ति तो इसे प्राप्त कर सकता है। शाम की गोधूली बेला के पश्चात, गोधूली यानी सूर्यास्त के बाद, और सुबह सूर्योदय से पहले अगर प्रतिदिन व्यक्ति 5 से लेकर के 15 मिनट तक अभ्यास करता है या करती है तो आँखों को मौन का अनुभव होता है। इसके बाद जागृत मौन का भी अनुभव प्राप्त होता है। और जागृत अनुभव कब प्राप्त होगा या मौन कब प्राप्त होगा आँखों का, यह उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही प्राप्त होता है। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मौन का पार्ट 2 सुने, सुनने के बाद इसका अभ्यास करें किसी गुरु के मार्गदर्शन में। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद। ओम हरि ओम तत्सत।